नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सतारगंज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चले खबरों की शुरुआत करते हैं। दोनों ही पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद कल ये फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तीन अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों की लापरवाही का मामला भी सामने आया है। SPCT को पूरे मामले की जाँच दी गई है और जाँच के बाद अगर कोई भी पुलिस कर्मी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने भी 1 किलो से अधिक चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर मुक्तेश्वर का रहने वाला है, जो पहाड़ से चरस लाकर हल्द्वानी में सप्लाई करता था। पुलिस पकड़े गए तस्कर के साथ और अन्य साथियों की भी तलाश में जुटी हुई है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इसमें पुलिस द्वारा बहुत उसके बाद क्विक कार्रवाई की गई थी। इसमें तीन अभियुक्त जो थे वो पुलिस द्वारा बहुत जल्दी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से जो हथियार थे वो पूरे बरामद किए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच SPCT साहब को इसीलिए दी गई है कि अगर इसमें कोई भी अगर पुलिस की निष्क्रियता दिखाई देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए सितारगंज टीवी। नमस्कार।